नमस्कार, मैं आज बनाने जा रही हूँ मूंग दाल हलवा बिना भिगोए। मैंने दाल को इस दाल ये एक कप दाल है, इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है। पोंछ कर मैं इसको जो है सुखा लिया है। उसके बाद मैं इसको मिक्सी में डालकर दरदरी पीस लूँगी। ये देखिए, अब मैंने दरदरी पीस ली है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूंगी। ये देखिए, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूंगी। अब मैं गैस जलाकर इसमें इसको डाल दूंगी। जैसे घी पिघल गया है तो मैं इसको दाल को इसमें डाल दूंगी। फिर मैं इसको भूनूंगी। अब मैं इसकी गैस कम कर दूंगी। तो अब मैं दूसरे गैस जलाकर इसमें घी डालूंगी। एक चम्मच घी डालूंगी इसमें, एक चम्मच में घी डालूंगी। घी डालकर मैं इसमें ड्राई फ्रूट, घी गर्म होने तक इसमें ड्राई फ्रूट मैं इसमें डालूंगी। मैंने भून लूंगी। अभी मेरे ड्राई फ्रूट भूनकर तैयार हो गए हैं। मैं गैस को बंद कर दूंगी और ये ड्राई फ्रूट निकाल लूंगी। इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए, और मैं कढ़ाई में इसको भूनने के लिए इसको गुलाबी रंग का भूनूंगी। अब ये दाल भूनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आधा किलो दूध लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध को डालूंगी जिससे दाल फूल जाए, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। देखिए चलाते हुए गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी डाल दूंगी। एक कप चीनी, मैं इसको अब गाढ़ा होने तक चलाती हूँ जिससे दाल फूल कर पूरी बस हो जाए। दाल फूल कर देखिए, दाल फूल ही है अपना। तो मैं लगातार चलाते रहूँगी कम से कम 10 मिनट तक गाढ़ा होने तक। अब देखिए ये गाढ़ा होने तक, मैंने इसको गाढ़ा होने तक चला लिया है। अब जो है मैं इसमें जो बसा हुआ घी है ये डालूँगी। देखिए कप के अंदर जो घी बचा हुआ है मैं इसको डालूंगी जिससे ये घी छोड़ दे। देखिए घी को चलाते हुए, ये तैयार होने जा रहा है। देखिए मैंने घी डालने के बाद चढ़ाया है, अब ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। अब ये लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट डालने के लिए, देखिए मैं इसमें
ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, आधे ड्राई फ्रूट इसमें मिला दूंगी और आधे ये देखिए ये हमारा मूंग दाल हलवा तैयार हो गया है। ये देखिए अब ये बनकर तैयार हो गया है, मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। देखिए मैं प्लेट में डाल लिया है, अब मैं इसे ड्राई फ्रूट डालकर सजाऊंगी। ये देखिए अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। अभी मूंग दाल हलवा बनकर तैयार हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद।